कौन है मेरे पीछे? कौन है मेरे पीछे? कोई है दोस्तों, है मेरे पीछे, ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ। ओ बाप रे, ओ बाप रे। श्री राम भाइयों, मैं आपका भाई जितेंद्र मारोटिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। 3 दिन पहले मेरी आपने लाइव देखी थी, मैंने एक वादा करा था कि आज रात को मैं उसी लोकेशन पे जाऊंगा जहां पे आपके कंटिन्यू कमेंट आ रहे थे कि जितेंद्र भैया एक बार वापस उस सीमा वाली लोकेशन पे जाओ जहां पे आपने बहुत कोशिश करी थी और राधे भैया के साथ में वहां पे एक दुर्घटना हुई थी। बहुत दिनों से इस लोकेशन का आपको इंतजार था और मैंने आपसे प्रॉमिस करा था लाइव के अंदर कि आज मैं उसी लोकेशन पर जा रहा हूँ, मगर मैंने 2-3 दिन पहले वो लाइव करी थी और 3 दिनों से आजमगढ़ गांव के अंदर हम फंसे हुए हैं। मैं चाहता तो दूसरे दिन शूट कर सकता था मगर बारिश इतनी ज़्यादा थी कि इस लोकेशन पर हम पहुँच ही नहीं पाए। ये लोकेशन आजमगढ़ से करीबन 8 से 9 किलोमीटर अंदर जंगल के अंदर है। जाते समय मैं आपको वो चीज़ भी दिखा दूंगा कि हम इस लोकेशन पे कितनी मुश्किलों से अंदर आते हैं। मैंने एक चीज़ ये भी बोली थी कि आज मेरे साथ में मनोज भाई और किशन भाई दोनों साथ में जाएंगे, तो भाई मनोज भाई एक बार सामने आ जाओ आप भी कि इस लोकेशन पे दोबारा मेरे साथ में आप विजिट करने जा रहे हो। मनोज भाई आपके सामने है और मनोज भाई ने भी इस लोकेशन के लिए काफ़ी प्रयास करे थे। सभी को नमस्कार। और दोनों भाई आए हैं, पहुँचे इस लोकेशन पे जो कि बड़ी मुश्किलों से 3 दिन का स्टे करने के बाद इस लोकेशन पे पहुँचे। आज जरूर थोड़ा सा मौसम खुला है लेकिन परेशानी काफ़ी आई क्योंकि यहाँ पे आने का कोई रास्ता नहीं है, जंगली इलाका है पूरा। अभी काफ़ी शूज मेरे देख रहे हो आप पूरे ख़राब हो चुके हैं। बड़े मुश्किलों से इस लोकेशन पर पहुँचे और आने का करीबन 8 बजे वहाँ से हम निकले थे पैदल चलते हुए और वही टाइम हो चुका है 12 बजे के आसपास। ये लोकेशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आपने पहले भी देखा और आज हमें देखना है कि यहाँ पे हमारे साथ में क्या होता है। वो सीमा आज भी यहाँ पे है या नहीं है वो सब कुछ आपको वीडियो के अंदर ही मिलेगा। और एक राज की बात है जो कि आज तक मनोज भाई ने भी आपको नहीं बताई, कैमरा पे किशन जी हैं उन्होंने भी नहीं बताई, ना मैंने बताई, वो राज की बात आज इस वीडियो के अंदर मैं खोलने वाला हूँ बहुत जल्दी। मगर आपसे बस इतना ही कहना है, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। बहुत ज़्यादा खतरनाक लोकेशन है भाई, दादे भैया के साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। चले भाई बिल्कुल टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से निकलने में सवेरा हो जाएगा अपने को। आ जाओ जंगल है पूरा आसपास में। और दोस्तों वो सामने की तरफ मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो आजमगढ़ पड़ता है पूरा, ठीक है। और वहां से हम होके 8 किलोमीटर करीबन इस जंगल के अंदर पैदल आए हैं। आ जाओ भैया, आवाज भी आ रही है, देखो एक बार गौर से सुनो। आवाज भी है, सब कुछ है दोस्तों, कसम खा के बोल रहे हैं। जैसे एंटर हुआ था इंट्रो स्टार्ट कर दिया था, अभी तक लगभग यहाँ तक भी आके नहीं गए थे हम कि यहाँ पे आज क्या होगा हमें पता नहीं है। आई ना वापस, है ना, आवाज आई है, गुर्रानी की आवाज आई है। दोस्तों 1 मिनट भी वीडियो को स्किप मत करना, आपका प्यार और आपका सपोर्ट और आपका साथ बहुत जरूरी है इस लोकेशन के ऊपर। आ जाओ भाई
पहले उसी लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे ज्यादातर सीमा दिखाई देती है। आज वो दिखती है या नहीं दिखती है पता नहीं है, क्या होने वाला है हमें पता नहीं है। आप भी ध्यान रखना है ना। तो आप देख सकते हो ये मिट्टी, मतलब ये हालात हो चुके हैं, इतनी मुश्किलों से हम पहुंचे हैं यहाँ पे। जैसे ही पेड़ दबाऊंगा मेरा पैर पूरे अंदर जा रहे हैं यहाँ से। मनोज भाई किसी भी चीज को मत छुओ प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आ जाओ। अजीब सा लगा था ना, है ना? पास में हो फटाफट। किशन जी पास में हो, पास में हो। अजीब सा जरूर लगा था, मगर मनोज भाई का भी यही कहना है कि कुछ था, मगर कुछ भी नहीं दिख रहा था सामने। पता नहीं क्या था, कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, मगर ये वही लोकेशन है जहाँ पे सीमा दिखाई देती थी हमेशा, मगर अभी फिलहाल ऐसा कुछ लगा नहीं है हमारे को। क्या वो सीमा बेल यहाँ पे है? यहाँ पे देख उसी के, उसी का कुछ दिखा था मुझे, आवाज आई ना वापस। एक बार उसके घर की तरफ भी देखो वापस, ऐसा लगा था बाकी दिख रहा है एकदम क्लियर, कुछ भी नहीं दिख रहा है कि सीमा दिखाई नहीं दे रही है हमें बिल्कुल भी। आ जाओ आ जाओ किशन जी, कैमरा पकड़ो क्या? चलो भाई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह है, ध्यान रखना यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। क्या वो सीमा बेल हमारे आसपास है? हम दोबारा आपकी जगह है, हमें ये देखना है कि आज भी आप यहाँ पे मौजूद हो या नहीं हो।
आवाज आई भाई पास को होंगे। ओ भाई रूम ओ गेट हिला गेट हल्का सा गेट हिला था। क्या वो सीमा बहन हमारे सामने आ सकती है वापस? क्या हम आपको देख सकते हैं? जीप सी है ना, बुलाने की आवाज आई। किसी जी थोड़ा पास में हो आप एक बार, क्या पता कैमरे में वो चीज रिकॉर्ड हो रही है, हल्की सी वाइब्रेट हो रही थी गेट के ऊपर। क्या वो सीमा बहन यहां मौजूद है? आवाज आई थी यार बहुत खतरनाक अंदर से। एक बार जगह छोड़ते हैं, क्या पता वो सामने आ जाए। यहाँ पे पीछे हटते हैं एक बार। क्या आप हमारे सामने आ सकते हो? इसलिए इधर आओ, आप यहाँ पे आओ। क्या वो सीमा बहन जिसको हम यहाँ पे मुक्ति दिलाने के लिए आए थे? हम आपके वही भाई हैं जिन्होंने पूरा प्रयास करा था आपको मुक्ति दिलाने का। क्या हमारे सामने आ सकते हो आप? क्या आपकी रूह आत्मा आज भी यही मौजूद है? कमी नहीं छोड़नी है भाई, जिस तरीके से वो सामने आ सकती है ना उस तरीके से अपने को बोल के सामने लेके आना है उसको। क्या आप हमें अपना भाई मानते हो? क्या आपको हमारे से कोई तकलीफ है? आज हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे हो आप? भाई कुएं की तरफ देखना एक बार। मनोज भाई इधर हो, इधर हो। क्या आप यहाँ पे हो? आपकी आवाज मुझे महसूस हुई थी इधर उस गेट पे भी हुई थी और यहाँ पे भी हुई है। क्या यहाँ पे हो आप? क्या हमारा आने से आप नाराज हो? मुझे ना वहां से यहीं पे कुछ नजर आया था, अजीब सा साया था, ये ध्यान नहीं कंफर्म नहीं कि क्या चीज थी, बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखा था मुझे। दोस्तों आप देख सकते हो ये वही कुआ है जहां पे ये सारा मामला हुआ था पहले, मगर आज समझ में नहीं आ रहा है कि वो सीमा सामने क्यों नहीं आ रही है। आ जाओ एक बार दिखा लो कुएं में, दिखो कुछ नजर आता है क्या? देखो एक बार, कुछ हाल चल रही है। हाँ भाई हुई कन्फर्म हुई, कन्फर्म हुई भाई, कन्फर्म हुई, कन्फर्म हुई, यहाँ कुछ हाल चल हुई थी। मगर सामने नहीं आ रही है यार। क्या हो सकता है, क्या कारण है, सामने क्यों नहीं आ रही आज? मुझे लग रहा भाई जो अपन ने प्रयास किया था एक बार। भाई उस गेट की तरफ, इधर आओ गेट की तरफ, आओ गेट की तरफ। अपन यही कर रहे हैं क्योंकि यही पर वाइब्रेट हुआ था। क्या आप ऊपर हो? क्या आप हो?
साथियों की संगीत में। दोस्तों आपने अभी देखा, मैंने सीमा को बहुत आवाज़ लगाई, मनोज भाई ने काफ़ी प्रयास करा, मैंने काफ़ी प्रयास करा, मगर क्या वजह है, क्यों वो सामने नहीं आ रही है। एक रियल हॉन्टेड लोकेशन पे हम खड़े हैं, जहाँ पे ये सब कुछ हुआ था, इतनी बड़ी वारदात हुई थी कि जहाँ पे नादे भाई के साथ में भी गलत हुआ था, मनोज भाई ने भी काफ़ी प्रयास करा था यहाँ पे, आज वो चीज़ सामने क्यों नहीं आ रही है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या हुआ, क्या कारण है। मैं फिर से एक बार कोशिश कर लेता हूँ, मैंने काफ़ी प्रयास करा है, उसको फिर एक बार आवाज़ देने की कोशिश करता हूँ। क्या वो सीमा जिसकी आत्मा हमेशा यहाँ दिखाई देती थी, वो यहाँ पे है? अगर है तो सामने हो। मैंने आपको दिल से बहन बोला था कि आप यहाँ पे आज भी मौजूद हो, नहीं। एक देखा होगा, नोटिस करा होगा, ना तो कोई ऐसी आज हवा चली है, ना ऐसी कोई चीज हमारे सामने आई है। मनोज भाई, इस लोकेशन के लिए हम तीनों भाई 2 दिनों से रुके हुए थे अजबगढ़ के अंदर, क्या बात हो गई, एकदम यहाँ की वीडियो आना क्यों बंद हो गई थी, क्या वजह हुई थी, जिसे आपको कमेंट के द्वारा बोलना पड़ा कि जितेंद्र भाई उस लोकेशन पे जाके वीडियो शूट करो, क्यों मैं नहीं आ सकता था क्या यहाँ पे, मनोज भाई नहीं आ सकता था क्या, मनोज भाई ने कम प्रयास करा क्या, गेट के बाहर कितने जंगलों के अंदर घूम घूम के वीडियो शूट करी थी इन्होंने, कितनी कोशिश करी थी इन्होंने, मेरे पीछे से बहुत कोशिश करी है, उस समय हम भी प्रयास में लगे हुए थे, ये भी प्रयास में लगे हुए थे, आज ऐसा क्या हो गया, क्यों सीमा सामने नहीं आ रही है। एक वो क्या राज है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिसमें मैंने इंट्रो में बोला था मैं यहाँ क्यों नहीं आ रहा था, क्या कारण है। दोस्तों मैं वो राज खोलने वाला हूँ। मनोज भाई बैठो यहाँ पे, आओ यहाँ पे, कोई सीमा मौजूद ही नहीं है दोस्तों, ये राज है, यहाँ पे सीमा बहन की स्पिरिट है ही नहीं, अब वो जा चुकी है, और ये चीज हम तीनों भाई को पता थी, वो क्यों किस लिए, वो आज राज खोलने वाले हैं हम आपके सामने। दोस्तों जब राधे भाई के साथ में यहाँ प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद में उस रूम तक हम पहुंचे थे जहाँ पे राधे भाई के साथ में जिस स्पिरिट ने गलत करा था, उसके बाद में वहाँ से जाने के बाद में हार थाक के मनोज भाई, किशन जी और मैं, हम तीनों पहुंचे थे हमारे गुरुदेव के पास में। गुरुदेव से काफ़ी प्रार्थनाएं करी कि ये एक ऐसी मासूम लड़की है जिसके साथ में इतने जनों ने अत्याचार करा, हाथ जोड़े हमने, पैर पड़े, बड़े मुश्किलों से हमने इतनी मिन्नतें करी हमने, और फिर उसके बाद में गुरुदेव यहाँ आने के लिए राजी हो गए थे। यहाँ आने के बाद में उन्होंने पूरा एक दिन रुक के उनकी तंत्र साधना से सीमा की आत्मा को मुक्ति दिलाने का पूरा प्रयास करा था, और आज भी वही रूम जहाँ पे सीमा की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए एक छोटा सा यज्ञ करा था, वो कहाँ हुआ था, एक बार कैमरा घुमा के दिखाओ भाई, वो रूम दिख रहा है क्या, वही वाला जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जगह थी, शायद यहाँ से नहीं दिखेगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। गुरुदेव ने जब वहाँ पे यहाँ पे प्रयास करा था, पूजा पाठ कंप्लीट होने के बाद में एक ही बात बोली थी कि 3 महीने तक आपको इस रूम के अंदर दोबारा नहीं आना है, किसी को भी नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने क्रियाएं करी है उससे सीमा की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, आप आज के बाद में सीमा की आत्मा को भटकते हुए कभी देखोगे नहीं आप। उन्होंने इतना प्रयास करने के बाद में वादा करा था कि सीमा को अगर आप इस रूम तक वापस दोबारा नहीं आओगे, सीमा की आत्मा को यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी, और उसमें 100% मतलब गुरुदेव कामयाब हो गए थे, और आज आपने ये जगह पूरी क्लियर देख ली होगी, इसीलिए यहाँ पे दोबारा हम नहीं आ रहे थे। ना मनोज भाई की वीडियो यहाँ की आई थी, ना मेरी आई थी, ना किशन जी के चैनल पे आई थी, ना और किसी के चैनल पे आई थी, वो यही कारण था कि हम यहाँ पे आके झूठी वीडियो शूट करना नहीं चाहते थे। जब था यहाँ पे तब वीडियो शूट करी थी, दिखाया भी था, मगर जब यहाँ पे है ही नहीं, क्या दिखाएं आपको, ये सब कुछ आज हमने डिसाइड करा था कि आपको किस तरीके से शूट करके आपको ये चीज़ बतानी है कि यहाँ पे कोई सीमा की आत्मा नहीं है। अगर आज भी उस रूम में जाने की गलती हमने कर दी, क्योंकि अभी 3 महीने की जो मयाद है वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है,
जहाँ पे आज भी उनका यज्ञ करा हुआ है। अगर गलती से वहाँ पे चले गए हम तो वो जो दूसरी आत्मा है इस जगह को बांध दिया, वो यहाँ पे आ ही नहीं सकती। उस रूम के बाहर आज भी वो आत्मा वहाँ पे खड़ी है। अगर हम वहाँ पे चले गए तो सबसे पहले अटैक हम पे हो जाएगा, दूसरी बात जो सीमा की आत्मा को मुक्ति मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी। एक बार 3 से 4 महीने बाद जब गुरुदेव ने जो बात बताई है, जो बंदिशे डाली है वो पूरी होने के बाद में एक बार वापस 3 से 4 महीने बाद में उस लोकेशन का भी वीडियो हम शूट करके आपको दिखाएंगे कि वाकई में सीमा की मुक्ति पूर्ण तरीके से हो चुकी है। बाकी इस लोकेशन से करीब करीब मेरे को नहीं लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, कोई सीमा नहीं है। सीमा की आत्मा को करीब करीब मुक्ति मिल चुकी है। केवल एक समय सीमा बांधी है कि उस रूम में 3 महीने तक आपको जाना नहीं है। तो दोस्तों, ना तो मनोज भाई की चैनल के ऊपर आपको कोई फेक वीडियो मिलेगी कभी, ना मेरे चैनल पे मिलेगी। हमारा केवल एक ही मकसद है कि आपको केवल सच से रूबरू कराएं, जो भी चीज़ दिखती है वो ही कैमरे पे दिखाएं, ठीक है। और ये जवाब उन लोगों को भी मिल गया होगा आज जितेंद्र मारोठिया की ये वीडियो देख के, कि जितेंद्र मारोठिया वीडियो का भूखा नहीं है, मनोज वीडियो का भूखा नहीं है, किशन जी वीडियो के भूखे नहीं है। चाहे तो एक दिन में हम 10 वीडियो फेक वीडियो बना सकते हैं, लेकिन नहीं, जो रियल होती है वही आपको इस चैनल पे देखने को मिलता है। मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, 10 दिन हो गए कोई वीडियो नहीं है। चाहते तो घर के पीछे जाके वीडियो शूट करके डाल देंगे हमें, अगर कमाना ही है तो। मगर मकसद ये, मतलब मकसद हमारा वही मकसद है, हमारी जो यूट्यूब फैमिली जुड़ी हुई है ना, वो एक हमारे से ऐसा अटैचमेंट है उनका, एक विश्वास का, वो विश्वास हम तोड़ना नहीं चाहते हमारे चैनल के ऊपर। हम चाहते तो यहाँ की झूठी वीडियो, 2 दिन हो गए हमें यहाँ रुके हुए, 2 दिन झूठी वीडियो शूट करके 4-4 वीडियो ले जाके तीनों के चैनल पर डाल सकते थे, मगर नहीं। और अब रिविजिट होगा वापस वही, और मनोज भाई के चैनल पे भी वो वीडियो, यही वीडियो आने वाली है वापस। मनोज अपने तरीके से यहाँ पे इस लोकेशन को विजिट करने वाले हैं, अभी जस्ट पूरी रात यहीं पर रुकने वाले हैं। किशन जी रिविजिट करेंगे, अपने अपने ऑडियंस को दिखाना जरूरी है। हर चीज को हर तरीके से, किसी भी तरीके से फुल नाइट स्टे करके इस चीज को पूरी रात में कोई हलचल, कोई आवाज, कोई एक्टिविटी, कुछ भी होगा चीज होती है, क्योंकि जिस लोकेशन पे आ गए ना उसको पूर्ण तरीके से कंप्लीट करके निकलेंगे। अगर कोई भी चीज हुई तो वो आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। और बाकी चलते हैं भाई, अब एक बार कोशिश करते हैं उस कुएं पे खड़े होके उस रूम को कैप्चर करने की, कि हम कोई दूसरी जगह नहीं खड़े हैं, उस रूम में जाना मना है, नहीं तो वहां पे भी जा सकते, गुरुदेव की आज्ञा है वहां नहीं जा सकते हम। गुरुदेव ने एक चीज बोली थी, क्या? रोशनी जानी नहीं चाहिए, रोशनी पहुंचनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो चीजें होती है, एक जो अंधेरा जो होता है वहाँ, ये चीजें सारे जो अब हम इतनी चीजें डिटेल में बता नहीं सकते, लेकिन गुरुदेव ने जो कहा कि रोशनी की एक किरण भी वहां तक जानी नहीं चाहिए, वहां पहुंचनी नहीं चाहिए। मतलब क्योंकि एक्चुअली के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है ना, जो जिस रूम को, रूम के अंदर राधे भैया को लेके गई थी, वहीं से वहां की जो अस्थियां थी, सीमा की अस्थियां वहीं उसी रूम में मिली थी, उन्हीं से उन्होंने तंत्र साधना करके उसको मुक्त कराया था। और आज भी वो नेगेटिव एनर्जी है उस रूम के ऊपर, वहां अभी जा नहीं सकते हम, क्योंकि आज यहां पर रिविजिट करके तीनों के चैनल पर वीडियो डालनी है। ये लोकेशन बिल्कुल क्लियर है, सीमा की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है भाई। चले 12:30 बजे बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये मेरा विजिट अगर अच्छा लगा, तो चैनल पे प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आ जाओ किशन जी।